हेलो मनीष कुमार फ्रॉम एक्सेल इन्फो सिस्टम। आज हम लोग न्यू लाइन की एक ऐसे फीचर की बात करेंगे जो शायद किसी भी बोर्ड में अवेलेबल नहीं है, जैसे व्हाइट बोर्ड में किसी भी तरह का वीडियो या यूट्यूब वीडियो हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे ये चीज़ हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट नाम का एक बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे हम आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम सीधा यहाँ पे यूट्यूब वीडियो आएंगे। यूट्यूब वीडियो में आने के बाद किसी तरह का कोई भी वीडियो हम मान लीजिए कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए हर्ट फंक्शन हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, राइट। तो इसमें से कोई भी वीडियो हम प्ले करते हैं डायरेक्टली हमारे व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब रहा कि हम एक अपने व्हाइट बोर्ड पे ये YouTube वीडियो हमारा प्ले हो गया और इसमें एड ब्लॉकर लगा हुआ, पहला चीज है इसमें एड वगैरह नहीं आएगा, ठीक। अब देख सकते हैं कि ये हमारा वीडियो स्टार्ट हो गया। साउंड हमने कम कर रखा है, कुछ रीजन है। फुल स्क्रीन भी यहाँ पे कर सकते हैं और इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, इसको मूव भी हम लोग कर सकते हैं पूरे व्हाइट बोर्ड पे, राइट। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे पेन सेलेक्ट करके इसके बारे में जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे इसके बारे में हम यहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं। ये तो सिंपल फंक्शन हो गया जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थ्री डॉट नाम का एक फीचर था, हमारा वीडियो होगा यूट्यूब पे हमने बनाया है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। इसमें एक ऐसा भी फीचर है जो ऑफलाइन वीडियो यानी कि कोई भी डाउनलोडेड वीडियो या कोई पेन ड्राइव में वीडियो अवेलेबल है उसको भी चला हम यहाँ पे प्ले कर सकते हो व्हाइट बोर्ड में। ये नहीं कि हम अलग साइड से, एक वीडियो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। वीडियो ऑप्शन में हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑफलाइन वीडियो है। तो अब ऑफलाइन वीडियो मेरा स्टार्ट हो गया। साउंड कम कर देते हैं थोड़ा सा, यूट्यूब का कुछ यह है कि कोई भी सॉन्ग्स का हम साउंड नहीं दे सकते। अब देखिए कि हमारा यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो गया, यानी कि दो दो वीडियो पैरेलल हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। हालांकि हम दो प्ले करेंगे बट साउंड समझ में नहीं आएगा, दोनों वीडियो हमारा पैरेलल चल रहा है। तीसरा वर्क हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये पहला ऐसा बोर्ड है जिसमें हम एक तो लाइव वीडियो यूट्यूब पर चला रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा यूट्यूब का वीडियो है, ये क्या है यूट्यूब का वीडियो चल रहा है, ये हमारा ऑफलाइन वीडियो यानी कि जो सिस्टम में हमने डाउनलोड करके रखा था ये चल रहा है। तीसरा इस पे और वर्क हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा हम यहाँ पे आएंगे, एक सर्च इमेज नाम का इसमें ऑप्शन भी है। यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी इमेज हम यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे हर्ट का पिक्चर हमको यहाँ पे लाना है व्हाइट बोर्ड पे, अब इस चीज को हम डायरेक्ट यहां से ना लाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इमेज भी हमारे पास आ गया, यानी कि हम एक साथ इतना सारा वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम पॉज कर देते हैं, ये ऑफलाइन वीडियो है, राइट। इसको नीचे कर देते हैं, ये हमारा यूट्यूब वाला वीडियो है जो हर्ट फंक्शन एक टॉपिक हमने करा था सिलेक्ट और इसके संबंधित हमने यहाँ पे इमेज भी ला दिया। इसके जगह पे हर्ट का कोई ऑफलाइन वीडियो भी होगा, ये मैंने एक मतलब दिखाने के लिए किया कि हम यूट्यूब लाइव वीडियो भी चला सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे और ऑफलाइन वीडियो भी कर सकते हैं और किसी भी तरह का इमेज भी ला सकते हैं। फोर्थ में क्या कर सकते हैं हम लोग इसको के बारे में सबको बच्चों को बता भी सकते हैं। तो इतना सारा हाईटेक फीचर यहाँ न्यू लाइन ए सीरीज एंड्रॉयड 11 में अवेलेबल है। इससे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्ट हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।